गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष डी वर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने इंग्लिश लर्निंग चैनल पाइनियर इंग्लिश विला पर। मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर, आपके बताए हुए हम एडवाइस को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो इसलिए आप कुछ ऐसा करें या कुछ ऐसा बताएं जिसके द्वारा हम अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन जो है हमारी डे टू डे जो इंग्लिश कन्वर्सेशन होती है उसमें कुछ बातें हम जो बोलना चाहते हैं वो आसानी से बोल सकें। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का बहुत थैंक्स कहता हूं कि आपने जो है मतलब मुझे एडवाइस दिया, मैं एडवाइस कहूँगा एडवाइस दिया कि मैं आपके लिए आज की जो क्लास है वो स्टार्ट मतलब आपकी क्लास जो आज का उसको मैं जो है वो प्रिपेयर कर सका। तो आज से हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आओ बोलें अंग्रेजी में। यहाँ पर मैं आपको रोजाना जो डे टू डे कन्वर्सेशन हमारी इंग्लिश की होती है उनमें बोले जाने वाले कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो बताऊंगा, जिसका प्रयोग करके आप अपने कन्वर्सेशन को अच्छा बेहतर बना सकते हैं और वे सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश में जो बोल नहीं पाते हैं अब आप शायद वो भी बोल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आओ बोलें अंग्रेजी में पार्ट वन। पहला सेंटेंस है, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या आप अपना परिचय देना पसंद करेंगे। दूसरा है, कुड आई नो योर नेम, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं यदि आपको ऐतराज ना हो, परेशानी ना हो। मतलब जब हम किसी से रिस्पेक्टफुली कोई बात पूछते हैं तो हम वहाँ पे पोलाइटनेस के लिए कुड का यूज़ कर सकते हैं। तो कुड आई नो योर नेम का मतलब है, यदि आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तीसरा है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं या आप क्या हैं। फोर्थ मतलब चौथा है, हाउ मैनी स्प्रिंग्स हैव यू स्पेंट, मतलब हाउ ओल्ड आर यू या व्हाट इज योर एज, समझ गए होंगे आप। पांचवा है, व्हाट आर योर हॉबीज, मतलब आप अपने खाली समय में क्या क्या करते हैं, आपके क्या शौक हैं। नंबर सिक्स, वेयर डू यू हेल फ्रॉम, जिसका मतलब है वेयर डू यू बिलोंग टू या फिर वेयर आर यू फ्रॉम, आप समझ गए होंगे। अगला है, व्हाट इज योर डैड और मॉम, मतलब प्रोफेशनली आपके जो मदर या फादर हैं वो क्या करते हैं, क्या हैं। नंबर एट, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट मी, मतलब आपको मेरे बारे में किसने बताया। नंबर नाइन है, हाउ मैनी सिबलिंग्स आर यू, आप कितने भाई बहन हैं। हाउ मैनी सिबलिंग्स हैव यू, आपके कितने भाई बहन हैं। नंबर टेन, आर यू फॉन्ड ऑफ ईटिंग बर्गर, क्या आपको बर्गर बहुत पसंद है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ रेड कलर से मैंने वर्ड लिखे हैं, आप देख सकते हैं। पहला है इंट्रोड्यूस, मतलब परिचय। दूसरा है स्प्रिंग्स, यहाँ पर स्प्रिंग्स का अर्थ एज से है, वैसे इसका मतलब देखें तो बसंत होता है। अगला है आपका हेल फ्रॉम, मतलब बिलोंग टू। अगला है कम टू नो अबाउट, किसी चीज के बारे में जानना, किसी के बारे में जानना। सिबलिंग्स सगे भाई बहन, और फॉन्ड ऑफ ईटिंग खाने में बहुत पसंद होना, उसे फॉन्ड ऑफ का मतलब लगाव या चाव होता है। तो उम्मीद है कि आपको जो स्क्रीन पे 10 सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं उनका अर्थ भी उनका मीनिंग भी आप समझ चुके होंगे। एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा आप लोगों से
कि जब आप इंग्लिश में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कोई वर्ड कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो आप उनमें एक्सप्रेशन का ज़रूर यूज़ करें। एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है आपके मतलब बात को सामने वाले को बताने के लिए। तो इसलिए मैं ये भी कहूँगा आपको कि जब आप इन सेंटेंसों को बोलें तो एक्सप्रेशन के साथ बोलें। आपको जो आओ बोले अंग्रेजी में, जिनमें आपने 10 सेंटेंसों को जाना है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि फिर मैं इसको आगे भी ले सकूं और इसका मैं सेकंड पार्ट भी तैयार करूं। आप कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर तरीके से जो हैं आप इन सेंटेंसों को, इन सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करें और एक्सप्रेशन के साथ बोलें। मिलते हैं सेकंड पार्ट में इसके कुछ नए सेंटेंसेस के साथ, कुछ नए सेंटेंसेस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस मॉर्निंग, हैव अ नाइस स्पीकिंग, थैंक यू, बाय बाय।